हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में अपने लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने पिक किए हैं। इसमें और भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, परसेंटेज से रिलेटेड और क्रेडिट और कैश से रिलेटेड है। ये सारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का ये जो क्वेश्चन हैं सारे ये कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं। सो जैसा कि मैंने लिखा है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अभी तक सिर्फ कैश आता था, अब देखिए आगे लिखा है एंड गुड्स रुपीज 20,000, मतलब दो चीजें हो गई। तो मैंने आपको सारी चीजें पहले ही बताई हैं, कैश ये जो है और ये जो गुड्स है ये दोनों ही हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एसेट्स हैं। तो सबसे पहले हमने इधर लिख लिया कैश और प्लस इधर लिख दिया गुड्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्टॉक। ये दो चीजें हमने नोट कर दिया और ये दोनों ही चीजें जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं। तो इस कैपिटल के नीचे हमने कैपिटल एज इट इज नोट कर दिया। अब स्टेप क्या होगा, हम अपने ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट को नोट करते हैं और ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट जैसे है एज इट इज अपने पूरे ट्रांजेक्शन को नोट कर देते हैं। ट्रांजेक्शन के कॉलम और कॉपी में थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे। अब यहां पर हमने स्टार्ट किया जो कैश है, तो कैश हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आया है 50,000, तो हमने कैश में 50,000 मेंशन कर दिया। प्लस स्टॉक हमारे पास आया है 20,000 का, सो 20,000 का हमने स्टॉक मेंशन कर दिया और टोटल 50,000 प्लस 20,000 मिलके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो आ रहा है अब अमाउंट कितना आ रहा है कैपिटल बनके, तो 50 प्लस 20 हो गया हमारे पास 70,000 का हमारे पास कैपिटल की वैल्यू आ गई। ये हमारा पूरा वैल्यू हो जाता है। लाइबिलिटी के लिए भी एज इट इज हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहां पर कोई वैल्यू नहीं है लाइबिलिटी की। ठीक, अब हम इसके बाद से क्या करते हैं, मैंने बताया था पूरे ट्रांजेक्शन को हम पैक कर देते हैं और फर्स्ट हम जो नोट करते हैं वर्ड वो होता है हमारा इक्वेशन और बाद में जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है हमारा न्यू इक्वेशन। सो यहां पर इक्वेशन वर्ड लिख देंगे पूरा और उसके बाद से हम इसे ऐड करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट कॉलम में तो कुछ भी नहीं है, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी सारी, नहीं देखी तो पहले उसे देख लीजिएगा। तो यहां पर सारा एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं है तो हमने इसे एज इट इज 50,000, ये 20,000 और यहां पर इस साइड में है इक्वल टू इधर 0 प्लस 70,000 एज इट इज हमने नोट कर दिया। अब इसके बाद से जो हमारा आएगा ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, तो ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड मेंशन करेंगे, पूरा ट्रांजेक्शन अच्छे से नोट कर लेंगे। क्या है ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट मीन्स भी परचेज ही होता है। सो बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज 15,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 10,000, मतलब हमने गुड्स परचेज किया, कैश में परचेस किया है 15,000 से और क्रेडिट में परचेस किया है 10,000 से। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा यानी कि स्टॉक हमारे पास टोटल कितने का आ रहा है परचेस किया, तो 15 और प्लस 10 टोटल हमारे पास 25,000 का स्टॉक आ गया। तो हमने सबसे पहले 25,000 का स्टॉक क्या किया, परचेस कर लिया। अब इसके बाद से हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, यहां पर हमारे पास बॉट किया मतलब परचेस किया तो कैश में 15,000, मतलब हमारे पॉकेट से 15,000 निकलकर जा रहा है और 10,000 उधार है जो कि पैसा है ही नहीं, तो 15,000 तो कैश जा रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैश में से हम 15,000 को माइनस कर लेंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्रेडिट पे परचेस करते हैं यानी कि बॉट जो किया है क्वेश्चन में, तो जब भी क्रेडिट परचेस करेंगे तो कौन आता है हमारे पास, क्रेडिटर्स आते हैं क्योंकि उन्हें बाद में हमें पेमेंट करना होता है। तो लायबिलिटी में देखिए अब हमारे एक नई लायबिलिटी आ गई विच इज क्रेडिटर्स, यहां पर हमने इसको नोट कर दिया और यहां पर अपने इक्वल टू इधर आके क्रेडिटर्स कितने के हो गए हमारे पास टोटल, तो ये नहीं देखना है कितना हमें पे करना है बाद में, क्रेडिटर उधार जो खरीदा है 10,000 का वो अपने हम क्रेडिटर साइड में शो कर देंगे। इस ट्रांजेक्शन में हमारे कैपिटल बिल्कुल नहीं है। अब ट्रांजेक्शन को एक बार हम चेक कर लेते हैं, माइनस 15,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू इधर गए तो हमारे प्लस 10,000 आ जाएगा इधर भी। फिर क्या करेंगे, हम पूरे ट्रांजेक्शन को पैक कर देंगे और आ जाएंगे अपने हम न्यू ट्रांजेक्शन पे। बट उससे पहले हम क्या नोट करते हैं, न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन अब देखिए यहां पर हमारे पास आ गया, इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 50,000 माइनस 15,000 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 35,000 की, फिर प्लस 20 और प्लस 25 दोनों हो जाएगा तो मींस 45,000 हो गया ये अमाउंट हमारा, इक्वल टू इधर आ गए तो ये हो गया 10,000 का वैल्यू हमारा और इसको प्लस किया तो ये 70,000 एज इट इज हो गया। अब चेक कर लेते हैं, 70 प्लस 10 हो गया 80,000 और इधर भी आना चाहिए 80, तो 45 प्लस 5,000 हुआ तो बना 50,000 और 50,000 प्लस 30,000 करेंगे हम
तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 80,000। मींस हमारा दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड पर देखेंगे। तो ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। अब यहां पर इस ट्रांजेक्शन को आप एकदम आराम से समझिए, पहले पूरा ट्रांजेक्शन नोट कर लेना है। अब यहां पर क्या है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 होल 1/3%। ठीक है, मैथमेटिक्स टर्म से बोला था ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फिर आगे लिखा है हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, मतलब जितना हमने सामान बेचा है अभी तो ये उधार था, इसमें प्रॉफिट प्लस हुआ है और उसके बाद उसका आधा पैसा हमें पेमेंट रिसीव हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में आधा डाटा हिडन है, क्या कह रहा है, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, इट मींस दैट कि बाकी का जो हाफ पेमेंट है, जो हाफ पेमेंट है वो क्या हो गया, क्रेडिट सोल्ड हो गया। अब यहां पर हमने नोट कर दिया क्योंकि ये बुक में क्वेश्चन ऐसे लिखा नहीं है, ये हिडन डाटा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हाफ पेमेंट कैश में रिसीव हुआ, हाफ अपने आप क्या हो गया, क्रेडिट सोल्ड हो गया। क्यों, क्योंकि हमने गुड्स कॉस्टिंग 24,000 का सोल्ड किया है। अब स्टेप से समझते हैं, हम यहां पर एक कॉलम बना देते हैं चलिए सोल्ड के लिए, हमने सोल्ड किया है। ठीक है, सोल्ड कितने का था, 24,000 का, तो हमने 24,000 तो सोल्ड किया है लेकिन इसमें क्या करते हैं, प्लस प्रॉफिट करते हैं, और प्रॉफिट है कितना, 33 होल 1/3%। मींस 24,000 का 33 होल 1/3% निकाल के उसमें प्लस कर देंगे। सो कैसे निकालते हैं, यहां पर आप एक कैलकुलेशन देख लीजिए सिंपल टेक्निक में, क्योंकि हम बताएं कि आप कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं यूज करना, हम आपको कैलकुलेशन यहां पर लगा के पूरा सिखाएंगे। अब 33 होल 1/3 ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन, ये देखिए 33 होल 1/3 ये मिक्स्ड है। अगर इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 3 99 और 99+1 हो जाएगा 100, मींस 100/3। ठीक, अब इसके बाद से क्या होगा, मींस 100/3%। तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा कि अगर हमारा ये फ्रैक्शन है 100/3 और इसके ऊपर परसेंटेज निकालना है तो मींस डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालते हैं तो डिवाइडेड बाय 100। लेकिन यहां पर तो 100 अगर कि, अब ये देखिए फ्रैक्शन इस तरह से दिखता है, तो आपको एक टेक्निक सिखाई गई होगी, हम रेसिप्रोकल कर देते हैं नंबर का, तो 100 जैसे ही ऊपर जाएगा तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, क्योंकि नंबर तो इसी तरह से लिखा गया होगा 100 और फिर अपॉन 1। अब ये 1 चला जाएगा ऊपर न्यूमिनेटर में और 100 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको बहुत सारी टेक्निक सिखाई जा सकती है। कोई कहेगा कि आप इसको डायरेक्टली पॉइंट में चेंज कर दीजिए या फिर इसको नंबर में चेंज करिए, बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन जो ये मैं बता रहा हूं सिंपल में देखिएगा आपका पूरा वैल्यू एकदम सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखिए ये डिनोमिनेटर में 100 है और इधर न्यूमिनेटर में 100 है, 100 100 कैंसिल हो गया, और ये देखिए इधर 3 है तो ये 3 से हमने इधर कैंसिल किया तो 3 8 जा, ठीक है, होता है 24 और ये हो गया हमारा 300 यहां पर आ गया। मींस हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 88,000 का। नोट कर लीजिएगा अगर आपको दिक्कत होता है समझने में तो, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट अपना प्रॉफिट नोट करते हैं विच इज 8,000। तो अब हमारे यहां पर सोल्ड है 24,000, इसमें 8,000 का हो गया प्रॉफिट, प्लस किया 24 में 8 तो वैल्यू आ गई हमारी 32,000 का, यानी हमने टोटल सेल्स किया है जो 32,000 का किया है, जो क्वेश्चन की लाइन यहां तक इसने कहा है। अब लाइन चेंज होगा क्या, कि हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, अब और बाकी का हाफ क्रेडिट, तो जस्ट इसका आप हाफ कर दीजिए, हाफ क्या हुआ कैश में रिसीव हुआ और हाफ क्या हो गया क्रेडिट यानी उधार हो गया। तो 32,000 का हाफ कितना होता है 16,000 और हाफ बचा हुआ क्या हुआ 16,000। तो अब यहां पर अपने क्वेश्चन को यहां पुटअप कैसे करेंगे, तो देखिए हमने टोटल गुड्स सोल्ड किया है तो मैंने पहले ही बताया था ये जो 24,000 है ये क्या है इसकी कॉस्ट प्राइस है और जितने में मैंने बेचा इसे ये क्या है इसकी सेलिंग प्राइस है। तो अपने स्टॉक में से हम हमेशा किस वैल्यू को माइनस करते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा माइनस करते हैं, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में 24,000 की कॉस्ट प्राइस है, तो स्टॉक में से हमने सबसे पहले माइनस किया क्योंकि सोल्ड कर रहे हैं तो अब गुड्स जाएगा, परचेस करते हैं तो गुड्स आता है, प्लस करते हैं तो 24,000 का हमारा ये स्टॉक क्या हो गया माइनस हो गया। ये माइनस करने के बाद अब बाकी का ट्रीटमेंट करते हैं चलिए। तो यहां पर देखिए कैश सोल्ड किया है तो कैश हमारे पास आएगा कितना आ रहा है, हाफ कैश सिर्फ मीन 16,000, तो हमें 16,000 कैश आया तो 16,000 हमने प्लस साइड में कर दिया, ये प्लस हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद से 16,000 क्रेडिट सोल्ड है तो जब क्रेडिट परचेज होता है तो क्रेडिटर्स आते हैं और क्रेडिट सोल्ड होगा तो क्या आते हैं, तुरंत आप कहेंगे सर डेटर्स आते हैं। तो चलिए एक और हेडिंग ऐड कर देते हैं यहां पर अपने हम डेटर्स, ठीक है,
और बाकी ट्रांजेक्शन में अभी तक तो नहीं आए थे ये, तो यहां पर हम एज इट इज बस जीरो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब इसके बाद से क्या करेंगे, डेटर्स कितने के, यानी क्रेडिट सोल्ड कितने का किया है, 16,000। डेटर्स हमको पैसा कितना पे करेगा, 16,000, तो यहां पर हमने डेटर्स में 16,000 दिखा दिया, इक्वल। यहां तक काम खत्म हो गया। लेकिन जब भी हम गुड्स को परचेस किए हैं, सोल्ड किए हैं और इस तरह का ट्रीटमेंट दिया है कि कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसका मतलब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस इन्वॉल्व है। तो यानी कि यहां पर देखिए प्रॉफिट भी तो आया है 8,000, और आपको मैं तुरंत बता चुका हूं पहले ही अपने लेक्चर में कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट या लॉस हो रहता है तो हम कैपिटल में से प्लस करते हैं प्रॉफिट और माइनस करते हैं अपने लॉस को। तो लायबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस होगा क्या, प्रॉफिट। कितने का टोटल प्रॉफिट होगा, 8,000 का टोटल प्रॉफिट क्रेडिट और कैश मिलाकर। अब इक्वेशन को एक बार चेक कर लिया जाए, ये देखिए 16,000 प्लस 16,000 क्या वैल्यू हो गया, 32,000। प्लस में 32,000 माइनस 24,000 वैल्यू आ गए 8,000 प्लस में, इक्वल टू इधर देखिए 8,000, इक्वेशन इक्वल हो गया ना। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये हमारा थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन था बस। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से फिर लिख देंगे हम सेम एज इट इज प्रोसेस, न्यू इक्वेशन। स्टूडेंट्स अगर समझने में प्रॉब्लम होगा तो ये देखिए, अब आपका ऑनलाइन क्लास है यूट्यूब पर, आप वीडियो फिर से बैक करिएगा, फिर से प्रोसेस समझिएगा, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं क्लियर होता तो कमेंट में आप कमेंट करिएगा या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। न्यू इक्वेशन में आएंगे तो हम इसे टोटल करेंगे, तो 35 प्लस 16,000, तो सबसे पहले हमने ये 300 प्लस किया, 65 हो गया, 11,13 और 14 और 15 ये हो गया 51,000। ठीक, अब इसके बाद से 45,000 माइनस 24,000, तो साइन तो आएगा प्लस का क्योंकि 45 बड़ा है। अब यहां वैल्यू हो जाएगा 21,000 का, ये वैल्यू हो गया। फिर आएंगे 0 प्लस 16,000 तो ये हो गया 16,000। फिर इक्वल टू इधर आए तो 10,000 प्लस 0 हो गया 10,000 और 70 प्लस 8 हो गया 78,000। अभी बार चेक कर लिया जाए, 78 प्लस 10 हो गया हमारा 88,000, इधर भी आना चाहिए 88,000। तो चलिए चेक करते हैं, ये देखिए 6, 1, 7, 7 और 1, 8 8 मिल गया हमें, जो 78 में 88 में 8 चाहिए था। अब चाहिए 8 और, तो देखिए 2 और 1, 3, 5 और 3, 8 88,000 इधर, 88,000 इधर, हमारा इक्वल इक्वेशन आ चुका है। अब आते हैं अपने हम लास्ट फोर्थ इक्वेशन पे। सो फोर्थ इक्वेशन इज व्हाट, परचेस्ड फर्नीचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में हमारे क्या हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। लिखा है परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, और ऑफिस यूज है यहां पर कितने के लिए फर्नीचर परचेस किया, विच इज 6,000, एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर रुपीज 4,000। हाउस होल्ड मीन क्या हुआ, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने घर के लिए खरीदा। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर आपने लास्ट वीडियो में एक पॉइंट बताया था कि जब भी हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपने पर्सनल खर्चे के लिए, स्टेशनरी का एग्जाम्पल देके मैंने बताया था, पर्सनल अपने यूज के लिए कोई भी अपने बिजनेस से हम कैश, स्टॉक कुछ भी विड्रॉ करेंगे तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है लॉस, और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जब भी बिजनेस से कुछ विड्रॉ करते हैं, विच इज नोन एज ड्रॉइंग्स। ठीक, तो अब यहां पर अपने पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले हमने ट्रांजेक्शन को नोट कर लिया। अब इसके बाद से क्या हो रहा है, परचेस किया हमने फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज के लिए 6,000। तो यहां पर ऐसे देख लीजिए, आपने परचेस किया है फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर कितने का परचेस किया, ऑफिस यूज के लिए है और अपने पर्सनल यूज, यानी कि दो हुआ फर्नीचर का पार्ट, एक हुआ है फॉर ऑफिस यूज और एक यूज हुआ है फॉर पर्सनल यूज, यानी कि इसको हम कहेंगे ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब यहां पर ऑफिस यूज के लिए कितने का है, 6,000 का, तो चलिए 6,000 ये हो गया ऑफिस यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए कितने का लिया है, 4,000 का, तो 4,000 यानी पर्सनल यूज के लिए हुआ है। तो अब एक बात बताइए, बिजनेस से टोटल कैश कितने का निकला होगा, चाहे पर्सनल के लिए चाहे ऑफिस के लिए, तो आप कहेंगे सर तुरंत कि ऑफिस और पर्सनल दोनों मिलकर हो गया 10,000 का कैश हमने बिजनेस से निकाला है, और गए दुकान पर 10,000 रुपए हमने पे कर दिया और कहा भैया 6,000 रुपए का ये वाला फर्नीचर दे दो, ये हमारे बिजनेस में पहुंचा दो, और ये 4,000 वाला फर्नीचर दे दो, ये मेरे घर पे पहुंचा दो। तो जो घर पे गया वो हो गया ड्रॉइंग, मतलब लॉस, क्योंकि पैसा तो बिजनेस से निकला। तो स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जीरो। फिर डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जीरो। लेकिन एक नई एसेट्स आ गई ना, क्या हुआ नई एसेट्स में, विच इज नोन एज फर्नीचर। और ये जो पूरा हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं स्टूडेंट्स, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं सभी को, ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो भी
ट्रीटमेंट हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में आएगा या बिजनेस से जाएगा सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन की एंट्री यहां पर होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए बताइए फर्नीचर आपके बिजनेस में कितने का आया, तो क्या 10,000 का फर्नीचर आ रहा है? नहीं। बिजनेस में फर्नीचर कितने का आ रहा है? फॉर ऑफिस यूज के लिए, तो ऑफिस मतलब आपके बिजनेस के लिए। कितने का आया? 6,000 का। तो मतलब फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में कितने का? 6,000 का। ठीक है, अब यहां पर हमने इक्वल किया तो देखिए इक्वल नहीं आएगा अभी। -10,000 +6,000 क्या हुआ? -4,000। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर ये ड्राइंग है, ड्राइंग हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, और लॉस है तो चलिए सर आप तुरंत कैपिटल में से माइनस करिए, -4,000 तुरंत कर दिया कैपिटल में से क्योंकि ये लॉस है। पर्सनल यूज के लिए यूज किया, क्रेडिटर्स यानी कि जीरो हो गए। तुरंत अब हम क्या करेंगे, अपना ये पूरा लाइन पैक कर देंगे। अब एक बार चलिए चेक कर लेते हैं, -10,000 +6,000 क्या है वैल्यू? -4,000 इज इक्वल टू -4,000 इक्वल हो गया। अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो क्या लिखते हैं हम लास्ट में स्टूडेंट्स? फाइनल इक्वेशन। और फाइनल इक्वेशन चलिए बना लेते हैं अपना। 51 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 41,000, 21 प्लस 0 करेंगे तो वैल्यू आएगा 21,000 एज इट इज, 16 प्लस 0 किए तो 16,000 और प्लस 6,000 ये हो गया वैल्यू, और इसके बाद से लास्ट 10 प्लस 0 हो जाएगा हमारा 10,000 और 78 माइनस 4 करेंगे तो आएगा प्लस 74,000। अब चेक कर लिया जाए एक बार, तो ये देखिए अब यहां पर हम बार बार नहीं लिखे, आपको इतनी सारी वीडियो में आपको बता चुका हूं। ये देखिए इन दोनों का टोटल करिए कितना आया वैल्यू, 74 प्लस 10 84,000। अब यहां पर भी इन सभी का टोटल करने पर क्या आना चाहिए? 84,000 ही आना चाहिए। चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं। देखिए 000000000 यहां पे आया हमारा 000। अब देखते हैं 6 हो गया 12 और 1 हो गया 13 और 1 हो गया 14 में 4 1 हो गया कैरी, ये तो खत्म, ये हो गया 6 और 2, ठीक है ये कंप्लीट हो गया। तो अब यहां पर आएंगे इधर सब चेक कर लेते हैं, 4 2 हो गया हमारा 6 और 1 हो गया 7 और 1 कैरी हो गया 8, देखिए 84,000। देखिए दोनों साइड हमारा क्या हो गया? इक्वल आ गया, और इसका मतलब हमारा जो पूरा इक्वेशन हमने ये किया है ये हमारा करेक्ट है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं हुआ है और इस पे हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे स्टूडेंट तो हमारे सारे क्वेश्चन सही होने हैं। अब ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी स्टूडेंट्स वो होगी फॉर्मूला बेसिस, जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में होती है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होता है फॉर्मूला से रिलेटेड, क्योंकि ये आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी पूरी क्लास चल रही है अकाउंटिंग की और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लॉकडाउन में हमारी पूरी क्लास रेगुलर कंप्लीटली चलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स अब आप पढ़ाई करिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिएगा या फिर व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।